अगर जियो की तरफ से, हर पल जियो चैनल की तरफ से कोई भी अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कॉपीराइट क्लेम मत दीजिएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी जीमेल डिस्क्रिप्शन में है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ कॉपीराइट क्लेम मत दीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आपको मेरे चैनल के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। माय नेम इज़ शहरयार और आप देख रहे हैं शहरयार यूट्यूब चैनल। और मैं रिएक्शन वीडियोस बनाता हूँ और व्लॉग्स बनाता हूँ। तो आज हम बना रिएक्ट करने वाले हैं खुदा और मोहब्बत के आर्टिजर्स पे, ठीक है? तो हाँ, अगर जियो की तरफ से, हर पल जियो चैनल की तरफ से कोई भी अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कॉपीराइट क्लेम मत दीजिएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी जीमेल डिस्क्रिप्शन में है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ कॉपीराइट क्लेम मत दीजिएगा। टीजर्स पे शुरू करते हैं। सफ़र का वो मकाम नहीं आया अभी कि दो कदम चलो और सामने मंजिल नजर आ जाए। महबूब औरों पे मेहरबान और आशिक पे सितमगर होते हैं। आशिक उम्र भर इसी गुमा में रह जाता है कि मैं मोहब्बत की महबूबियत सिर्फ उसी के मुकद्दर में। तावीज बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का ना छोड़ इसे। ग्राफिक काफी अच्छे हैं और मुझे लगता है बजट भी ड्रामे का बहुत होना और हिट कर जाना है इस ड्रामे ने, तो ये हिट करेगा ड्रामा। और जो अब तक के जितने भी फेमस ड्रामे रहे हैं ना, सबसे ऊपर जाएगा। और टीआरपी जो इसकी है ना, बढ़ेगी बहुत। तो टीजर टू देखते हैं फिर। इनका लोगो बहुत अच्छा है, साउंड स्काई एंटरटेनमेंट प्रेजेंट। अगर इस कायनात में मेरी कोई जीत होगी ना तो वो होगी तुम। वो साथ में आसमान पे क्यों ना रहती हो या जमीन की सातवीं तह के अंदर, मेरा दिल कहता है मैं उससे मिलूंगा। उसका ये रोक मैंने एक पल के लिए उसकी सुर्ख आंखों में देखा, इतनी आग अपने अंदर वो लेकर बैठा है। तावीज बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का ना छोड़ इसे। इकरा की जो एक्टिंग, क्या बात है भाई। फिरोज खान भी इनके, फिरोज खान के पहले थे इश्क किया जो ड्रामा देखा था, इश्क किया खानी। हर जो इन्होंने रोल अदा किया है ना, ये रोल के अंदर घुस जाते हैं। इनसे फनी करवा लें, गुस्से वाला करवा लें, इनसे बिल्कुल ये सैड करवा लें। सैड में काफ़ी अच्छे लग रहे थे, रोना धोना। और इकरा अजीज भी, इनके भी मैंने पहले जो ड्रामे देखे थे, इनके भी था फ़नी रोल्स भी थे, फ़नी रोल भी। ये भी ऐसे घुस जाती है, सेम ही है। एक्टिंग भी इनकी बहुत ज़बरदस्त और सैड में तो बहुत प्यारी लग रही थी। तो अब ट्रीजर्स 3 देखते हैं। तुम्हारे लिए तो सारी दुनिया को कहीं छुपा अच्छा बोल के देखो, खुद भी छुप जाऊंगा हमेशा के लिए। तुम काफी शाय टाइप हो। तुम क्या जानो? मोहब्बत इंसान को कितनी जल्दी शायर बना देती है।
भाई ज्वेलरी सेट आपने देखा है, कितना कमाल लग रहा था, कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी भाई। मुझे तो यही स्टोरी लग रही थी, जैसे वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। सुना ही होगा शेर व शायरी जो है ना, बड़ी ज़बरदस्त थी। तो तुम कुछ क्या शायद शायद टाइप नहीं हो गए, ऐसे कुछ बोला तो वो कहते आगे जो उसका है कि तुम्हें क्या पता मोहब्बत इंसान को बहुत जल्द शायर बना देती है, ऐसी तो ज़बरदस्त शेर व शायरी है भाई। और चले अब टीज़र 5 भी देखते हैं, नहीं 4। जो क्यों के जो कभी खत्म नहीं होते हैं, हाँ बता रोग लग जाए तो सारी जिंदगी साथ निभाते हैं। सुना है मैंने कुछ और भी बीमार हैं जो अपनी तबीब की तलाश में यहाँ चल जाते हैं। आखिर ऐसी क्या शफा है तुम्हारे पास? काश मेरे पास कोई शफा होती, मैं तो खुद किसी की शफा की तलब में कब से दर बदर भटक रहा हूँ। उसे कहीं यहाँ से चला जाए, अगर वो ना किया मैं टूट कर रेजा रेजा हो जाऊंगी। ये चांदनी की दीवार तोड़ना शायद एक प्यार से भरे दिल को तोड़ने से ज्यादा मुश्किल होता है। अजीज का अपने वो जो सीन देखे, वो जो भागती हुई आई हैं सीन मुझे वो अच्छा लगा है। देखें अब बंगले में शूट किया गया ये, तो जो इंडियन बॉलीवुड की फिल्म्स भी हैं उनमें ऐसे फिल्म्स में भी ऐसे घर दिखाए जाते हैं, गैराज गाड़ियाँ अंदर आ रही, बजट भाई बहुत हाई है भाई। और तो कुछ नहीं कहूँगा मैं, OST का कब आएगा वो तो कोई बता दे। OST आए तो भाई सबसे पहले वो उस पर रिएक्ट करेंगे हम, OST पे। OST का वेट है भाई, आ जाए तो मुझे प्लीज़ बताना कमेंट में। तो टीज़र 5 देखें। असी नाजुक दिल से लोग हाँ, सारा दिल नहीं दुखाया कर, ना छुट्टे वादे करिया कर। छुट्टियां कसम खाया कर, तेन कितनी बारी आख्या है वो मिलने आई मैं वलवल ना आजमाया कर, क्या बात है तेरी याद दे विच मैं मर जा सा, मैं नु इन्ना याद ना आया कर। इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां देखा ना मुझे, मैं जैसे आपको गैस ही लगा सकते हैं हम, और ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे गैस तो बल्कि वो भी ख़राब होने हैं। तो मुझे जो लग रहा है भाई, अब वो बुलाने आई है तो ये जाने दे, क्योंकि इन्होंने कहा ना शायरी में कि मैनु इन्ना याद ना आया कर, नहीं मैनु वलवल ना आजमाया कर, तेनू किन्नी बार आख्या है मैनु इन्ना याद ना आया कर, ये वो बुलाने आई है अब ये जाने दे। तो आई थिंक के ऐसी कुछ हुआ होगा, फर्स्ट टाइम यही गए होंगे तो कुछ हुआ होगा जैसे भाई, मुझे अभी भी गैस नहीं लगा रही। चलो ड्रामा आएगा तो भी हमें कुछ भी नहीं पता, वैसे भी आएगा तो हमें पता चलेगा कि क्या स्टोरी थी क्या नहीं, तो हम गैस ही लगा सकते हैं सब, बट गैस भी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं गलती हो ना मेरा। तो इसका भी OST आ जाए ना, हम उस पर रिएक्शन देंगे OST पे। तो मुझे क्योंकि OST ऐसे बेहतरीन कर रहा है, क्योंकि सुनूँ बार है ही नहीं यहाँ पे अभी कहीं, तो OST आए, OST सुने हम, उस पर रिएक्शन दें, बाकी ड्रामा आएगा तो फिर पता चलेगा। और मेरा जो ये गेस है कि ये ड्रामा, इसकी TRP और इसका ड्रामा जो है ना टॉप पे जाएगा ये, क्योंकि जितने भी अब बॉलीवुड की जैसे फिल्म की जैसा इन्होंने बंगला लिया हुआ था ड्रामे के लिए,
उसमें जो रोल था इकरा जी का, जो भागती हुई थी दरवाजे के पास आके लगी, तो वो सीन भी मुझे अच्छा लगा था। दोनों अपना अपना रोल ज़बरदस्त कर रहे हैं और दोनों ही एक्टर ऐसे हैं कि घुस जाते हैं बस। आप कोई भी इनको रोल दे दो, कुछ भी कह दो, करने को कह दो, ये बस घुस जाएंगे। फनी भी, गुस्से वाला भी करेंगे और सैड तो आपके सामने ही है कैसे रोल अदा कर रहे हैं दोनों। ड्रेसिंग भी दोनों की मुझे बहुत अच्छी लगी है और अपने अपनी जगह पे दोनों भी ठीक है। तो बस ड्रामा, अब इसका ट्रेलर भी जो मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, अब ट्रेलर भी आता है तो हम फौरी ट्रेलर पे भी रिएक्शन करेंगे। सो तो प्लीज़ ओएसटी जब इसका है तो प्लीज़ कमेंट करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह इस ट्रेलर के आने वाला होगा आई थिंक, तो इंशाल्लाह फिर ट्रेलर देखते हैं, ट्रेलर पे रिएक्शन करते हैं, मिलते हैं फिर। तब तक लिए अपना ख्याल करें, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।